वेलकम टू माय चैनल डेकोरेशन विद नेचर। आज हम अपना रूफ टॉप फ्लावर गार्डन का टूर कराने जा रहे हैं। तो मोस्टली ये मैंने जो मेरे पास खुद के जो मतलब सीड्स है, ये तो नेचुरली डेजी हूँ, हर साल अपने आप उग जाती है, मतलब कुछ अपने आप, और बहुत कम ही खरीदे हैं इस बार मैंने, जो मेरे अपने आप या सीड से उगाए हुए हैं उसी का हम हाउस रूफ टॉप टूर करेंगे। ये देखिए, मोस्टली मेरे हर पॉट में आपको एक परमानेंट प्लांट मिलेगा। ये देखो, सर्दियों में डोरमेसी में चले जाते हैं क्रोटन, और इसके आगे मैंने ये डेजी लगा दिया था। डेजी अपने आप मोस्टली हो ही जाते हैं, कई बार सीड भी इकट्ठे कर लेती हूँ मैं, और अपने आप ये मिक्स एंड मैच, जैसे अब इसका सीजन जाने वाला है डेजी का, पर ये अभी ब्लूमिंग कर रही है। और ये जरबेरा मैं नर्सरी से लाई थी 20 रुपीज़ के। ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास है, ये तो मतलब सीजनल फ्लावर हो गया, और इसके साथ ये देखिए, इसी पॉट में मैंने जरबेरा लगाए हैं, और पीछे एक कॉलियस की कटिंग लगी हुई है, ताकि अब जरबेरा का सीजन चला जाएगा तो कॉलियस अपने आप भरपूर मतलब खिल खिल के आएंगे। ये देखो, दोनों तरफ जरबेरा है। इसी प्रकार ये मेरी मिक्स एंड मैच मतलब आपको फ्लावर वो दिखेंगे। ये मोस्टली मैं सोचती हूँ हर मेरे पॉट में फ्लावर ज़रूर हो, क्योंकि ग्रीन पर ये हमारे पास फाइकस वगैरह तो मोस्टली लग ही जाते हैं कटिंग में। इसमें भी सोचती हूँ मैं, जैसे अब सदाबहार आएगी गर्मियों में, इसमें लगा लूँ। ये देखिए, अब ये हमारे पास, ये तो मैंने आपको ये टोपियारी दिखाई थी बना के, मतलब रूफ टॉप गार्डन टूर भी होएगा आज हमारा विद फ्लावर्स के साथ। ये मेरा क्रोटन है, अभी मैंने कटिंग करी है इसकी, और ये देखिए ये जरबेरा इसके साथ, पर इनको ये देखिए पूरा स्पेस मिलता है एक दूसरे को। ये जब लगाते हैं, और इनके सॉइल मिक्सचर और सारा मैंने मोस्टली अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। ये देखिए पूरा क्यूट, और अब ये हमारा जो क्रोटन है ये भर भर के खिल खिल के आएगा। अभी ये हमारा ये स्टार्ट ही हुआ है बिल्कुल। अब ये देखिए, इस पर भी हमने अपना वीडियो बनाया हुआ है। ये देखिए, ये भी मैंने खुद अपने सीड से लगाए हुए हैं। ये हमारे देखो कैलेंडुला कितने खिल के आए हुए हैं इसके। ये वाला तो शेड थोड़ा शेडी एरिया में, अब गर्मी आ गई है ना, तो काफ़ी मतलब फ्लावरिंग हो रही है, काफ़ी दिन तक चलेगा। ये देखिए, ये आ गया हमारा कैलेंडुला, मतलब मेरे आप ये देखिए मोस्टली आप हर उसमें पॉट में, ये देखिए फ्लावर के साथ स्नेक प्लांट है, ऊपर से गेंदे हैं। ये देखिए, जैसे ये फाइकस है, फाइकस के साथ कैलेंडुला है, और ये पीछे मैंने गेंदे के बीज गेर दिए थे, अपने आप हो जाते हैं। देखो नेचर अपने आप कितना हेल्प करती है हमें ना। ये देखिए हमारे पास ये पत्थरचट है, कैलेंडुला है, और ये कितना क्यूट सा पॉट है। ये देखिए, मतलब ये एक दिन में नहीं, धीरे धीरे जहाँ जाते हैं पसंद कर लो, ले आओ 100-200 का पॉट, और फिर उसमें अपना, जैसे अब ये कैलेंडुला की जगह आगे मैं सदाबहार लगा दूंगी। ये देखिए कितनी हमारी मिक्स एंड मैच है, और ये देखिए जेड प्लांट का मैं जंगल बना रही हूँ, और इसके साथ ही इसमें अभी ये लगाया हुआ है। ये देखिए, मतलब हर उसमें ये मैंने टोपियारी दिखाई हुई थी। ये देखिए कितना सुंदर, ये आप भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मेरा कुछ और कंसेप्ट यही है मिक्स एंड मैच गार्डनिंग का। ये देखिए, ये हमारा, ये मैंने काफ़ी वीडियोस में दिखाया मेरा बर्ड का प्लांट, और इसके पास देखिए छोटा सा पॉट है, अभी खाली है देखो, पर मुझे लगता थोड़ी स्पेस तो देनी चाहिए। कैलेंडुला के साथ ये सर्दियों में भी खिला हुआ था हमारा सदाबहार, देखिए कितना सुंदर। ये देखिए इसका, और ये इनफ की इतने छोटे से पॉट में भी, ये देखिए मैंने आपको एक फुल वीडियो बनाई हुई है, स्नेक प्लांट लीफ से भी हो जाते हैं, अब मैंने लीफ लगाए हुए हैं, कितना छोटू सा भी है देखिए, और ये सदाबहार अपने आप उगे हुए हैं। नेचर बहुत कुछ देती है हमें अपने आप, ये देखिए, और सब मोस्टली ये रूफ टॉप प्लांट्स हैं, बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है, कुछ नहीं करना होता। ये कम से कम 3-4 साल पुराना है कैटी में स्नेक प्लांट स्मॉल वाला। ये देखिए, अब ये ड्रेसिना के बेबी हो गए, ऊपर से मैंने इनको कटिंग कर दी है, और ये साथ में गेंदा भी लगा हुआ है। ये देखिए,
डोरमेसी ना, और ये डेजी, डेजी के साथ अब कॉलियस डोरमेसी में चला गया था, पर अब देखिए थोड़े से दिन में ये भी अपना हरा भरा हो जाएगा। ये देखिए ये सब अपने आप हुए हुए हैं, मेरे कॉलियस है ना, ये देखिए अपने आप। और ये हमारा फ्लावर्स आ रहे हैं हमारे, ये गुड़हल हिबिस्कस की दूसरी वेराइटी है, ये भी बहुत रफ एंड टफ है। और ये देखिए ये सिंपल देसी गेंदे हैं, जैसे इनके ये जैसे अब बीज आ गए ना, मैं ये ही डाल रही हूँ देखिए। और ये पूरी गर्मी हमें मोस्टली गर्मियों में भी फ्लावरिंग देंगे, मतलब गेंदा ये देसी वेराइटी है, सिंपल वेराइटी है ये हमारी, ये देखिए। और देसी तो मेरे अपने आप ही मोस्टली हो जाती है, कुछ मैं बीज रख लेती हूँ इसके, तो ये अपने आप हमारे कैंडुला के साथ मेरा ये देसी वाला ये गेंदा, गेंदी देखिए, गेंदी बोलते हैं वैसे इसको, ये देखिए कितना क्यूट मस्त लग रहा है। देखिए हर प्लांट में एक मेरा नेचुरल होएगा, और ये भी फ्लावर का ही है हमारे, ये रेन लिली है, ये कितनी मस्त भर के आई हुई है, ये देखिए गेंदे कितने सुंदर लग रहे हैं ये हमारे, ये देखिए। ये काफ़ी सारे पीस थे, मैंने बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है इनको, और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, देखिए भरा हुआ, और कितने स्मॉल स्मॉल फ्लावर है। ये पूरी गर्मियाँ फ्लावरिंग करेंगे, और शेड ही थोड़ा सा इनडायरेक्ट लाइट में रख दो तो ये देखिए छोटे छोटे में, जैसे ये इनके बीज सूख जाते हैं, जैसे मैंने अभी स्प्रिंकल किए थे, आप भी ऐसे ही स्प्रिंकल कर सकते हैं, ये देखिए। ये देखिए हमारा हो गया सदाबहार, सदाबहार के साथ जो भी मुझे पॉट खाली मिलता है मैं बीज स्प्रिंकल कर देती हूँ। अब हमारा ये कैलेंडुला हो गया हमारे हिबिस्कस के साथ, ये देखिए अभी इसकी कटिंग की है। और ये डेजी तो मेरे हर मोस्टली डेजी और गेंदा, और ये तो हर सीजनल है, अभी मिल ही जाएगा हर पॉट में। ये डेजी, डेजी के साथ ही अपना ही खजूर लगाया हुआ है मैंने ना, मैं ट्राई करती रहती हूँ, खजूर के बीज डाले थे, खजूर हो गया है देखिए, कितना सुंदर। ये कैलेंडुला आ गया, वही मैंने अपने बीज से काफ़ी सारे हो रखे हैं, और ये हमारा ये आ गया देखिए डेजी आ गई। अब ये देखो रेन लिली के साथ ये सदाबहार अपने आप आ जाते हैं, अभी फ्लावरिंग शुरू होगी समर में इनकी, सारी है डेजी, और ये वाइट वाला सदाबहार ऊपर चंपा है। आप भी मतलब ऐसे ही ट्राई करते रहिए, देखिए अब इसके साथ ये देखिए, ये देखिए ये मतलब परमानेंट प्लांट भी हो गया हमारा, और फ्लावर्स भी हो गए हैं, ये देखिए। और ये भर गया हमारा इसे स्नेक प्लांट से। और ये देखिए मैंने वो ये लगाया हुआ अपना फाइकस की कटिंग हो गई है, देखिए अब ये फाइकस जंगल बन जाएगा इसका बड़ा, मैं अभी इस पर पूरा व्यू दूर वो करूँगी मैं इसकी। अभी ये देखिए नेचर ने हमें क्या, और ये पटोनिया अपने आप ही हो गया है देखिए, ये इसके सीड गड़े हो गए, और यहाँ भी हो गया, वाओ। ये कॉलियस की कटिंग लगाई है मैंने, और इसके साथ पटोनिया, ये गर्मियों वाला है, समर वाला पटोनिया है ये, इसमें सिंपल फ्लावर आएंगे वाइट कलर के, वाइट या लाइट पर्पल, क्योंकि जो चीज़ अपने आप उगती है वो बहुत देर तक चलती है। ये अपने आप ही आए हैं, क्योंकि लास्ट ईयर के बचे होंगे बीज बाज तो उसमें गिरे होंगे, तो ये अपने आप ही, देखो नेचर कितना अच्छा गिफ्ट दे रखा है। अब हमारी ये बुगनवेल पे भी स्टार्ट हो गए हैं, इसकी कटिंग करी थी मैंने, हर चीज़ ट्रिमिंग मांगती है देखिए। और ये तो मिलेगा आपको हमारा ये डेजी, डेजी के साथ ये हमारा रशियन लिली है, अभी ये समर है, इसके साथ भी अभी ये फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। अब ये देखिए जैसे हमारा ये बुगनवेलिया है, कटिंग करी है, इसके सीड्स स्प्रिंकल कर रखे हैं देखिए मैंने, हमारे गेंदे के सीड्स हैं ये देखिए। अब कुछ एक दो को रख दूंगी मैं, बाकी मैं जो मेरे खाली पॉट है उनमें लगा दूंगी। ये देखिए अब इनके ये कटिंग के बाद लीव्स आ गए हैं देखिए, या आप भी मतलब इसमें ये गेंदी है, ये समर में बहुत चलती है, क्योंकि अगले देखो नेक्स्ट हम ये हमारे रशियन लिली आ गया, कनियर आ गया, और अब नेक्स्ट सीजन की भी तैयारी चल। ये देखिए सब घर पे, ये देखिए एक ही बहुत अच्छा फ्लावर आता है, मुझे इसका नाम नहीं पता,
ये मतलब इसमें है बल्ब वाले, उसमें स्टिक में आएगा बहुत सुंदर। तो इसका मैंने दिखाया हुआ है अपनी लास्ट वीडियोस में, नाम नहीं पता, प्लीज़ आपको पता हो तो लिली बोलते हैं कौन सी, तो ये प्लीज़ आप बताइए। ये देखिए इसमें मैंने अपना फाइकस प्लस छोटे छोटे हमारे सदाबहार भी हो रखे हैं, और ये फ्लावर वाला, और ये देखिए वो मैं कह रही थी ये भी अपने आप ही आ गया पटोनिया। ये देखिए फ्लावर भी आने लग गया है, ये ब्लूम होगा। ये मैंने अभी स्प्रिंकल कर रखे हैं हमारे गेंदे के। और ये देखिए ये मैं श्रीनगर से कुछ बीज लाई थी, ये भी दो तीन में उसमें इस पर बिल्कुल डार्क पर्पल कलर के फ्लावर अभी आने वाले हैं, जब फुल हो जाएंगे तो मैं दिखाऊंगी। तो ये मेरे पास ख़त्म हो गए थे पर अपने आप ही ये उग गए हैं, पिछले साल के गिर गए होंगे शायद। ये देखिए इस प्रकार ये सदाबहार है। तो ये मेरा आज का ये सारा हमारा फ्लावर टूर हो गया है। तो आपको मेरा ये कैसे लगा? तो अभी ऐसे जैसे ही मैं अभी ये मेरे पास, ये देखिए इसके साथ में स्नेक प्लांट लगाया हुआ है, ये कितना सुंदर लग रहा है। आपको मेरी वीडियो लाइक अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेचर के साथ मस्त रहें। थैंक यू।